है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइस, आज के जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो आज से हम जो है ब्लॉगिंग सीरीज का पूरा स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग की इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं, यानी कि ब्लॉगिंग है क्या और किस तरह से हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। इन तीन पहलू पे ऊपर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला कि ब्लॉगिंग है क्या, व्हाट इज ब्लॉगिंग। सेकंड, हम यहां पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्निंग्स, जिसके जरिए हम कितनी तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। और तीसरा यहां पे मैं बताने वाला हूं कि हाउ मच यू कैन अर्न। तो तीन चीजों के ऊपर आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर जो है मैं पूरे वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है @मंजीत_डिजिटल_मार्केटिंग_एक्सपर्ट। और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे भी आपको मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर सर्च करेंगे तो आपको मेरा मिल जाएगा पेज। वहां पे जाके जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं ब्लॉगिंग है क्या। तो बेसिकली ब्लॉगिंग जो है ये कोई बड़ा ऐसा डिफरेंट काम नहीं है, जो हम काम करते हैं वैसा ही कुछ काम है। यानी कि कहने का मतलब है वेबसाइट, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देखी होंगी कि वेबसाइट्स किस तरह की होती हैं। तो फिर हम यहां पे ब्लॉगिंग और वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस है वो पहले आपको बताता हूं। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें पर्टिकुलर किसी भी एक निश के ऊपर काम किया जाता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर जब आप काम करते हैं, तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट कहते हैं, और इसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या होता है, तो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट करा है बस उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने होते हैं। और आर्टिकल्स के अंदर जो है हम कई सारी चीजें कवर करते हैं, जो आने वाले सीरीज के अंदर, डेफिनेटली आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको ब्लॉग लिखना होता है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, पूरा इन डेप्थ आपको नॉलेज दूंगा। और अब बात करते हैं कि यहां पे किन तरीकों से हम ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, बिकॉज अगर मेहनत कर रहे हैं तो अगर पैसा नहीं कमा रहे तो डेफिनेटली उस पैसे का, उस मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर सबसे पहली बात आती है कि हम जो है एड लगाकर पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें गूगल के एड लगा सकते हैं, बहुत media.net की एड्स लगा सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अर्निंग का, जिसके जरिए हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो भी हमारी निश है उससे रिलेटेड जितने भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, हम उन कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको जो है हम यहां से अपनी वेबसाइट के थ्रू अगर प्रोडक्ट हम पोस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां से अगर लोगों को अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं तो वो हमारे पर ट्रस्ट करेंगे और वहां से वो क्लिक करके, जो आप लिंक दोगे उस पर क्लिक करके वो बाय भी करेंगे। जब वो लोग बाय करेंगे तो आपको जो है उसमें से कमीशन मिलता है। तीसरा है आपका यहां पर, आप जो है जो भी आप चीजें बना रहे हो, तो ऐसे में आप जो है पीडीएफ में बुक्स बना के जो है वो एक बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर बार बार किसी को आपकी वेबसाइट पे आना पसंद नहीं है या उनको टाइम नहीं मिलता या भूल जाते हैं, तो आप जो है ऐसे में एक ई बुक रेडी कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स लिखे हैं, आप उनकी जो है एक बुक बना सकते हो पीडीएफ में बेसिकली, और उस पीडीएफ को आप लोगों को जो है पहुंचाने का जो है काम कर सकते हो। उसमें जो है आप जो भी एक नॉमिनल अमाउंट रखना चाहते हैं वो रख के जो है लोग बाय करते हैं, तो ये भी आपका एक इनकम का जरिया होता है। चौथा इनकम का जरिया होता है एड स्पेस को सेल करना। जो भी हमारा ब्लॉग है उसके ऊपर हमारे पास एड स्पेस अवेलेबल है, तो बहुत सारी कंपनीज ऑटोमेटिकली, जब आपका ब्लॉग काफी अच्छे से बढ़ जाएगा तो आपकी कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी उस एड के, उस स्पेस को आपका सेल करने के लिए। तो जब आप उनको सेल कर देंगे वो स्पेस, तो डेफिनेटली वहां पर उस कंपनी की एड रन होंगी और उस एड को जो है आप खुद क्या कर सकते हो, एक एक्स अमाउंट जो भी आपको चार्ज करना कर सकते हैं। तो यहां पर तो ये हो गए आपके तरीके, किन तरीकों से हम जो है ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कमा कितना सकते हैं।
तो यहां पे देखो कमाने की जहां तक बात है तो ब्लॉगिंग के जरिए अगर आप कमाना चाहते हैं तो नो डाउट ऑन दैट पार्ट। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे और एक वेबसाइट बना के छोड़ देंगे, उस पर कुछ आर्टिकल्स बना के छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली आप जीरो अर्निंग करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, रेगुलर काम करेंगे, तब जाकर जो है आपका आने वाले एक दो साल के बाद जो है आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे। और जो पुराने ब्लॉग्स हो चुके हैं आज से 10 साल 12 साल से करते आ रहे हैं, आज उन लोगों की जो इनकम है वो लाखों के अंदर है। लाखों कहने का मतलब है किसी की 10 लाख है, किसी की 12 लाख भी है, राइट। लोग यहां तक कि एक एक करोड़ तक जो है कई बार टच कर जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर कितनी पावर है अर्निंग की। तो अगर आपने किसी भी महीने में इतना पैसा कमा लिया तो आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को इस पूरे ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए एक कंक्लूजन देना चाहता हूं। कंक्लूजन ये है, आप तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, यानी कि आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा तभी आपके लिए फायदा है। अदरवाइज अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप ब्लॉगिंग मत कीजिए, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और एक टारगेट है आपका, एक ड्रीम है कि मुझे इतना पैसा कमाना है इस प्लेटफॉर्म से, उन्हीं लोगों का ब्लॉगिंग के अंदर इनविटेशन है, राइट। वही लोग ब्लॉगिंग को स्टार्ट करें, अदरवाइज ये वीडियो देखें और भूल जाएं कि मैंने क्या बताया आप लोगों को। दूसरी चीज यहां पर, जो भी चीजें हम यहां पर करें, राइट, उसको हमें अच्छे से काम करना है, बिल्कुल दिल लगा के काम करना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है करने के लिए करते जा रहे हैं, राइट, लेकिन टाइम टू टाइम हमें कई नई चीजों पे रिसर्च करनी होती है, तब जाकर हम सक्सेस होते हैं। ये नहीं कि आज ब्लॉग बना लिया और आज से ही हम सोचें कि नहीं हमें अर्निंग जो है अगले महीने जो है हमें इनकम पैसा आना लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पे पैसा आएगा लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको 6 से 8 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अगर पैसा कमाना है तो नो डाउट ऑन दैट पार्ट, पैसा बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए इनिशियल स्टेज पे जो है आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का टाइम है तो ही आप यहां पे स्टार्ट करें, क्योंकि 6 से 8 महीने आपको लग जाएंगे पहली इनकम को जनरेट करने के लिए। और कुछ को जो है अगर किस्मत अच्छी रही तो वो बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ इस पूरी सीरीज को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखें, ताकि आप अगर ब्लॉगिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप सक्सेस हो सकें। और जैसे जैसे मैं आगे वीडियो सीरीज लेके जाऊंगा वैसे वैसे आप अपने आप को सक्सेस की तरफ जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।